जहाँ पर ये तीन चीजें होती हैं, सब्जियां, फल, फूल, तो वहां पे एंजल्स, भगवान और अच्छी एनर्जीज आकर के रहने लगती हैं। तो साउथ ईस्ट में की गई पूजा का फल नहीं मिलेगा, आपका मन और चित शांत नहीं। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छी जगह होती है, यहाँ पे बैठ के कभी भी आपको ज्यादा पार्टी नहीं करनी है। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? शोभा जी कैसे हैं? आ रहा हूँ मैं आपके घर आया हूँ। तो शोभा जी, आपको अपने घर की दिशाएं मालूम है? हाँ जी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी, नॉर्थ लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में ईस्ट है। वेरी नाइस। लेकिन एक छोटी सी इशू मैं यहाँ आपको शुरुआत में ही बताता हूँ जी, कि थोड़ा मैं कैमरे की नजर डालना चाहता हूँ कि नॉर्थ उस कोने में है लेकिन नॉर्थ आपका ऊंचा है। मेरे स्टेप्स को अगर आप देखें जी, तो ये नॉर्थ जो है काफी ऊंचा है, तो शुरुआत में जो ये आपने हेवी किया हुआ है नॉर्थ में, इससे आपके घर में आती हुई एनर्जी रुक जाएगी। अच्छा जी, बाकी आते हैं, देखते हैं आपके पूरे घर को। तो शोभा जी, ये आपकी घर की सेंट्रल लॉबी टाइप आती है, जिसमें जो ये डोर है इसके सामने आपने ये जो विंडो ली जी, इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। अच्छा, कि ठीक सामने हमें कुछ ना कुछ अच्छा एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, आइए आप मुझे पूरे घर का डोर दीजिए। ठीक है जी, आइए जी। ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो ये आपका ड्राइंग रूम है जी। तो आप यहाँ पे बैठते हैं ज्यादा या सिर्फ गेस्ट्स? नहीं नहीं, इवनिंग में, डेली इवनिंग में बैठते हैं। तो आपके घर का ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आ रहा है जी। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छी जगह होती है, यहाँ पे बैठ के कभी भी आपको ज्यादा पार्टी नहीं करनी है, यानी कि ड्रिंक्स और नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं अलाउड है। इन केस अगर घर में कोई मेहमान आते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप उनको थोड़ा मना कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज ही नहीं चलती। बहुत बहुत अच्छी बात है, ये सात्विक दिशा है। हाँ, तो घर भी सात्विक हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत मुझे लग रही है, जो ये मूर्ति आपने गणेश जी की रखी हुई है, ये गलत है। अच्छा। जब हम सिटिंग लेवल की बात करते हैं तो ये हमारा सिटिंग लेवल आता है डाउन, गणेश जी उससे नीचे भगवान को बिठाया हुआ है। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि भगवान गणेश को अगर विराजमान किया तो हमारी सीट से ऊपर ऊपर, राइट? मैं इसको करेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट आप मुझे दिखाइए। हाँ जी, हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ से दिखाइए क्या हमारा किचन है। तो आपकी जो किचन भी बहुत अच्छी दिशा में आ रही है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आपकी किचन आ रही है। तो कैसे आपको वास्तु का ज्ञान है? आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है या वैसे ही टीवी शोज देखे आपने? नहीं, मैं शुरू से 2002 से आपके टीवी शोज देखा करती थी। अच्छा, 2002 से? 2002 से आपने? हाँ जी, देखे। वेरी नाइस। और 2006 में हमने अपना घर स्टार्ट किया था, तो उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो आपके शोज से, जो मैं नोट्स बनाती थी, उन्हीं से ये लिए गए। तो ये साउथ ईस्ट की किचन बहुत हेल्दी होती है, इससे जो खाना बनता है हेल्थ लेकर के आता है। जो गैस स्टोव है आपका ईस्ट फेसिंग जाता है या साउथ ईस्ट जाता है तो सात्विक गुण आते हैं उसमें। और पानी की जो लोकेशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, देखें आपकी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप जल, जो पीने का जल होता है, उसके साथ शाम के समय अगर एक दिया लगाते हैं, अच्छा, तो ये बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो जिसे हम यहाँ इसको रखते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो है। इससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। ये मैं ध्यान रखूंगी जी। आइए आगे दिखाइए, ये एरिया में आप बैठते हैं या एक? नहीं नहीं, ये बस जस्ट नॉर्मल रखा हुआ है, कोई आया बैठ गया, या मेड जैसे कभी किचन से बैठती है तो ऐसे बैठ जाती है। हाँ जी, ये क्या रूम? ये हमारा मास्टर बेडरूम है। अच्छा, ये आपका मास्टर बेडरूम है। तो ये साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में आ गया जी। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम साउथ वेस्ट में टच तो कर रहे हैं, लेकिन ये टुवर्ड्स साउथ है जी। तो हमारे लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप कुछ
ज्यादा फर्नीचर लेकर के आई बिकॉज ये मुझे साउथ वेस्ट और साउथ के हिसाब से थोड़ा हल्का फर्नीचर लग रहा है। अच्छा ठीक है, फर्नीचर भारी कीजिए। यहाँ पर जो खिड़की है वो ठीक साउथ वेस्ट में आ रही है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जगह खाली है यहाँ पे हमें भारी सामान चाहिए। अच्छा, कुछ मूर्ति या किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल गमला जिसमें मिट्टी या पत्थर डले हुए हो। अच्छा, तो रखेंगे यहाँ पे 100 से 200 kg वजन यहाँ रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, आपका मन कभी उदास नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे। गुड, ये तो बहुत ही, लाइफ में कभी कभी चेंजेस होते हैं तो हमारा मन ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन उसको मैनेज करना तो हमारे हाथ में। बिल्कुल, उसकी सही डायरेक्शन भी मिलनी बहुत जरूरी। इधर से ये आपका वॉशरूम और ड्रेसर हो गया, स्टोर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक दिशा में। यहाँ जब आपका डाइनिंग टेबल आ रहा है तो इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये बिल्कुल ठीक मेन डोर के सामने आ रहा है, मेन डोर के ठीक सामने डाइनिंग, अगर आपके घर में लोग बहुत आते और जाते हैं और आप यहाँ खाना खाते हैं तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हमारे यहाँ मूवमेंट कम है। अच्छा, मूवमेंट कम है। हाँ, बाहर से गेस्ट। स्टिल अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे इस टेबल पर थोड़ी प्रॉस्पेरिटी नजर आनी चाहिए। आपने जैसे ये फ्रूट्स यहाँ रखे हैं जी, तो अगर मैं ये फ्रूट्स उठाऊँ और इनको मैं अगर यहाँ प्लेस कर दूँ तो कैसा लगेगा? ये ज्यादा बैठे, आप घर के अंदर एंटर हुए आपको एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे। मिल गए। फ्रूट्स क्या है? प्रॉस्पेरिटी। हमारे जो ओवरऑल सिम्टम्स होते हैं प्रॉस्पेरिटी के, तो नेचुरल चीजों का घर में होना, सब्जियां दिखनी चाहिए, फल दिखने चाहिए जी, फूल दिखने चाहिए। फूल की कमी है, जहाँ पर ये तीन चीजें होती हैं, सब्जियां, फल, फूल, तो वहाँ पे एंजल्स, भगवान और अच्छी एनर्जीज आकर के रहने लगती हैं। जहाँ पर डल और डिब्बा पर चीजें हो कि नमकीन निकाली, बिस्किट निकाले, रख दिए वापस, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, और एनर्जीज ही अच्छी नहीं हमें मिलेगी। नहीं, ये ध्यान रख, दिस इज द वे वी लिव। तो मैं तो अगर कभी टूर पे जाता हूँ या अक्सर मेरा हफ्ते में से 2 से 3 दिन बाहर रहते हैं तो मैं बैग ऑफ फ्रूट्स अपने साथ जरूर कैरी करता हूँ। अगर मैं किसी होटल में भी स्टे कर रहा हूँ तो वहाँ पे अपनी बास्केट तैयार कर देता हूँ, और अगर नहीं भी लेकर के जाता हूँ तो ऑन द वे में फ्रूट्स जरूर ले लें। ये मेरे लिए एक प्रॉस्पेरिटी सिंबल है और उससे हेल्थ भी बनी रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल जी। तो ये आपका जो सिटिंग एरिया है, हाँ जी, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये क्योंकि जो हम दिशाएं देख रहे हैं, दिशाओं की मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। ये आप ही के शोज से देखकर तो मतलब मैंने जो मेहनत है वो एकदम रंग लेकर के आ रही है। और ये देखिए, आपने 2006 में घर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी जी, तब का ये है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक, हाँ बताइए ना, कि आपको जैसे मैंने गमले बताए, हाँ जी, ओरिजिनल गमले भी आप यहाँ पर अगर ज्यादा समय बिताते हैं, हाँ यहाँ बता, बिल्कुल ठीक पीठ के पीछे शीशा, खिड़की, दरवाजा आ रहा है, तो इससे हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। बैठे बैठे फोन पर अगर कोई बिजनेस की बात हो रही है या ओवरऑल लाइफ में एस्टेब्लिशमेंट और स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो पीछे थोड़ा सॉलिड होना चाहिए जी। मैंने इसलिए वहाँ दो गमले बिल्कुल बैक में, बट इनसाइड भी रख देंगे, एक दो पीछे रख देंगे या कुछ ऐसा रख देंगे, और ये चिक को आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम नीचे करके रखिए। ये समय है अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 बज रहे हैं, तब सन नहीं आना। साउथ की जो साउथ वेस्ट की जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, मैं इसको तो यहाँ किसका रूम है? ये बड़े बेटे का। अच्छा, ये आपके बड़े बेटे का रूम है। ओके, तो क्या नाम है उनका? मयंक। मयंक, तो मयंक को आपने वेस्ट की दिशा दी, तो बहुत अच्छी अच्छी बात है ये। लेकिन उनकी सोच में थोड़ा सा जिद्दी बन आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि वेस्ट की जो दिशा है वो एकदम स्टेबल नहीं होती। मन जो
अच्छी बातें होती हैं उस पर ठहरता नहीं है, जो थोड़ी सी रिस्की होती हैं, जो डाउनवर्ड्स जाती हैं उन पर टिक जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस रूम में थोड़ी सी ब्राइट एनर्जीज लेकर। अच्छा, जैसे ये रूम मुझे थोड़ा डल लग रहा है, तो आप कर्टन्स को थोड़ा मेटेलिक टच लेकर के आइए। राइट। और कुछ आप इसमें अर्दन फीलिंग्स और लेकर के आइए। अच्छा। कुछ अर्दन में आप मतलब कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे अर्दन की फिगर्स ला सकते हैं। कुछ भी ऐसा रखिए जिससे उनको फर्क पड़े। ठीक है। जी, ये हमारा वॉश एरिया है। अच्छा, ये आपका वॉश एरिया है। जी, हम यहीं से देखते हैं वॉश एरिया को। बहुत अच्छा है, ओपन टू स्काई आपने रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल ओके। नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा आता है। तो नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में आप पानी ऑन एन एवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाई है, लेकिन वो तो बारिश में। कुछ मूर्ति लेकर के आइए घोड़ों की। अच्छा। कुछ या पेंटिंग बनवाइए, किसी भी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि इस दिशा में अगर आप रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी। कितने घोड़े? दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट। आइए, अब ये रूम बताइए मुझे, किसका है? ये मेरे छोटे बेटे का है। अच्छा, क्या नाम है उनका? शशांक। तो शशांक के लिए ये रूम आई डोंट फील कि इतना अच्छा है, क्योंकि ये जो रूम है ये प्योर नॉर्थ है। प्योर नॉर्थ है। नॉर्थ से जो आ रही एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल एनर्जी, वो हमें ठीक से रेस्ट नहीं कर रही थी। तो आप इस एनर्जी को रेगुलेट कीजिए। जी। यहाँ पे एक तो सी सॉल्ट रखिए। ठीक है। करी रखिए और रेडिया स्टोन रखिए। अच्छा, ये ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जीज को ठीक करता है। अच्छा जी, की एनर्जीज को। ठीक है। और कुछ पीले रंग के आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगेंगे। अच्छा, ये जो टॉयलेट है ये भी नॉर्थ साइड को टच कर रहा है। नॉर्थ साइड। तो फाइनेंशियल इश्यूज पूरी फैमिली में आ सकते हैं, आपके पैसे डूब सकते हैं, बैड डेब्ट्स हो सकती हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपका कोई ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो सकता है। अच्छा, तो इसमें दो तीन रेमेडीज हम करेंगे। ठीक है। सॉल्ट तो आपने रखना ही है, कोई प्लांट आप रख दीजिए, और कुछ हम इसमें एलिमेंट्स रखेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूँ। ये आपके घर में अभी और क्या है? हाँ, देखने पूजा रूम है। आइए आप। हाँ जी, आइए। तो पूजा रूम तो आपका बिल्कुल ठीक नॉर्थ ईस्ट में आ गया। हाँ जी, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। प्लीज आइए। यहाँ पूजा रूम में आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या क्या? मैं पूजा करती हूँ, मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं। मैं दो तीन चीजें यहाँ बताना चाहूँगा। जरूर। आपने पूजा के ना तीन से चार अल्तार बनाए हुए हैं। जी, मतलब छोटी छोटी। हाँ जी, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, पूजा आपको जब भी करनी है, अब यहाँ जैसे आप पूजा कर रहे हैं जी, तो आपका फेस साउथ ईस्ट जा रहा है। जी, तो साउथ ईस्ट में की गई पूजा का फल नहीं मिलेगा, आपका मन उचित शांत नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट करके स्टिल आपका एक अल्तार यहाँ पे, आपने गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई है, उसके ऊपर माँ की मूर्ति फोटो है, नीचे लड्डू गोपाल है। मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो शायद यहाँ पर भी मुझे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, ऊपर राम परिवार, नीचे शिव जी, हाँ नीचे शिव भगवान। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया। अच्छा, इस डिसबैलेंस को क्रिएट नहीं करना, आपने समझना है कि आपने पूजा के लिए एक प्लेटफॉर्म लेना है, 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट इतना बड़ा। अच्छा। पर एक ही लेवल पर आपने फोटो लगानी है भगवान की। अच्छा। और तब उनकी पूजा करनी है, तब उनकी धूप अगरबत्ती और पंचोपचार करना है, यानी कि उनको अच्छा फूल धूप सुपारी लौंग इलायची ये सब देना है। फिर डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट नहीं हो सकती है, आप कुछ चेंजेस कीजिए। अच्छा, नीचे बैठ के पूजा करते हैं तो मंदिर यहाँ लगवाइए, तो यहाँ बैठ जाइए, फेस आपका नॉर्थ ईस्ट जाएगा। जी, ऑलराइट, ठीक है। आइए जब सर, हम वहाँ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। मेरी थैंक्स इन कूल एनर्जी है। तो
पुनीत जी, रॉक सॉल्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको कितने दिनों बाद चेंज करें, वो आप मुझे थोड़ा सा बताइए। मैं आपको रॉक सॉल्ट की सारी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। जनरली जो सॉल्ट होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि हमारे एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे आयंस रिलीज करता है, यानी कि अच्छी एनर्जीज को रिलीज करता है। तो जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, जब हम बीमार फील कर रहे होते हैं या उदास होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज अराउंड होती हैं, तो हमें सॉल्ट रख लेना चाहिए। वो हिमालयन सॉल्ट भी हो सकता है, नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकता है जो कि मोटा सॉल्ट होता है। लेकिन इसको चेंज कब करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, जो डली वाला नमक होता है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन से एक महीना यानी कि 15-30 days में चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन जो हिमालयन सॉल्ट के बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसकी जो लाइफ होती है 45-90 days आपके पास होने चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं रखना है, उसको चेंज करना है। क्योंकि सॉल्ट जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी एनर्जी भर जाएगी, वो तो दूसरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वही एनर्जी वो गिराता रहेगा। तो आपको इंटर्न पॉजिटिव एनर्जी मिलने की बजाय नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो आपने यही ध्यान रखना है। पुदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपने ये ब्लॉग शुरू किया, आ रहा हूँ मैं, इसी के साथ मैं आपसे दोबारा जुड़ गई। और ये इसको आप बहुत आगे तक लेकर जाइए, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शोभा जी, बहुत शुक्रिया, आपने ब्लॉग में अपना घर दिया, अपना समय दिया और आप इतनी अच्छे से वास्तु फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं और आप सब लोगों के लिए भी। आ रहा हूँ मैं एक ऐसा शो है जिसमें मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अपनी विजिट्स में भी बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ। तो आपने अपने घर, अपनी लाइफ में, अपने ऑफिस फैक्ट्री में वास्तु ज़रूर अप्लाई करनी है, ये बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। तो जुड़े रहिए आप मेरे से। नमः शिवाय।